देवरिया जिले में आपसी रंजिश में पिता पुत्र की हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बता दें कि टीकर गांव के रहने वाला अमरनाथ निषाद धारदार हथियार से लेकर महाराजगंज गांव में पहुंचा और घर के बाहर सो रहे शहीद नजीर और सोनू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें पिता शहीद और पुत्र नजीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सोनू गंभीर रूप से घायल है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र में महाराजगंज गांव का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति ने आपसी विवाद में एक धारदार हथियार से तीन व्यक्तियों पर हमला किया, जिनमें दो व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई। तीसरे व्यक्ति को पुलिस द्वारा तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसकी हालात स्थिर है। इस प्रकरण में थाना रुद्रपुर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो मुख्य अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।